राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट, आग उगलते सूरज का पड़ेगा तेज, फिर से गर्मी दिखाएगी अपने तेवर, मानसून की एंट्री में देरी का अनुमान। बदलते क्लाइमेट चेंज में जो कुछ हो रहा है आपसे हमसे छुपा नहीं है। मई में तेज गर्मी की जगह बारिश और तूफान खूब आए, ठंडी हवाओं ने ठंडक घोली। यही नहीं, इस बदलाव ने नौतपा को भी ठंडा कर दिया। अब जून आया तो फिर से मौसम के बदलाव की आशंका जताई गई है। कहा जा रहा है राजस्थान में हीट वेव की आशंका है, यानी सूरज आग उगलेगा और तेज बढ़ेगा। गर्मी के तेवर बढ़ेंगे तो लोगों की परेशानी भी बढ़ेगी। जून के शुरू से ही तेज गर्मी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह में राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन अब पारा चढ़ेगा, गर्मी तेज पड़ेगी और हीट वेव भी होगा। कई शहरों में तापमान का ग्राफ 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाएंगे और पारा 12-13 जून तक 43 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ एरिया में आगामी दिनों में हीट वेव भी चल सकती है। साथ ही जैसलमेर एरिया में थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इधर मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार मानसून में करीब एक हफ्ते की देरी हो सकती है। मानसून में देरी से एंट्री को लेकर कहा जा रहा है कि राजस्थान में यह देरी करीब एक हफ्ते तक हो सकती है। वहीं मानसून 20 सामान्य से 7 या 8 दिन या उससे भी अधिक दिन की देरी से राज्य में प्रवेश कर सकता है। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन कमजोर रह सकता है। राज्य समेत देश के कई हिस्सों में इस बार बारिश औसत से कम होने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में भी बारिश औसत से 4 से 5% कम हो सकती है। इसका कारण एल नीनो इफेक्ट और अनुकूल स्थिति नहीं होना बताया जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो मानसून जुलाई के पहले हफ्ते तक प्रवेश कर सकता है। इससे पहले प्री मानसून की बारिश हो सकती है। बीते 10 साल में जून महीने में हर बार अच्छी बारिश हुई है। 2013 में रिकॉर्ड बारिश 162.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।